वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग स्टोर कीपर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप लोग स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हो या मटेरियल मैनेजमेंट की एमसीक्यू ढूंढ रहे हो या फिर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ये आपके स्टोर कीपर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप वो सारी वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होता है, थर्ड टॉपिक है आपका मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ है आपका रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू मटेरियल मैनेजमेंट, ये भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईओक्यू, जेआईटी, एबीसी मेथड एंड बीओएम, इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसके जो एमसीक्यू होने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का उसमें सबसे पहले आपको समरी कराऊंगी एंड देन एमसीक्यू, इससे आपका कोई भी एमसीक्यू आ जाए आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप समरी थोड़ा सा पढ़ लो एंड उसके बाद उसके एमसीक्यू कवर करो जो कि हम अपनी वीडियोस में करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट, एंड बाकी के टॉपिक्स को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट। सो प्राइमरी पर्पस क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, सिंपल सा है, या बाकी चीज़ों को मत देखो, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है उसको इंश्योर कराना कि जितना भी रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए वो आप लोग दोगे। अब ये मटेरियल मैनेजमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, हार्डवेयर मैनेजमेंट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी हो सकता है, या फिर मटेरियल हैंडलिंग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। सो जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो कंसर्न्ड होता है प्लानिंग से, एक्विजिशन से, फ्लो ऑफ मटेरियल से, विद इन द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के अंदर ये सारी चीज़ों से ये कंसर्न्ड रहता है कि प्लानिंग भी हो, एक्विजिशन भी हो और फ्लो ऑफ मटेरियल्स भी हो एक सप्लाई चेन के अंदर। अब जान लेते हैं सप्लाई चेन क्या होता है। तो एक सप्लाई चेन क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कंपनीज होती है, पीपल होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्शन, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो मटेरियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ये कंसर्न रहता है प्लानिंग से, एक्विजिशन से एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एक सप्लाई चेन के अंदर अच्छी तरीके से हो जाए। ये सारा काम जो है मटेरियल मैनेजमेंट का होता है विद इन द सप्लाई चेन। सो ये आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको शॉर्ट में लिख दिया है। सो जो मटेरियल मैनेजमेंट का यही प्रोसेस होता है कि वो इंश्योर करे कि करेक्ट रॉ मटेरियल जो है एक राइट पर्सन के पास जाए, एक राइट टाइम पे जाए। सो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि रॉ मटेरियल होगा राइट टाइम पे, राइट पर्सन के पास ये सारी चीज़ें पहुँचेगी। सो ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिंगल मैनेजर होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये जो सारी एक्टिविटीज होती है वो उसका ध्यान रखे, जिसमें ये कंसर्न रहता है फ्लो ऑफ मटेरियल्स के लिए इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, परचेजिंग आ सकती है, प्रोडक्शन आ सकता है, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, इनकमिंग ट्रैफिक, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसीविंग, स्टोर्स नॉर्मली आर इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें जो है सिंगल मैनेजर जो है उसका काम होता है कि वो मैनेज करे इन सारी चीज़ों को मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होता है एंड डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होता है। सो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसमें वो कंपोनेंट होते हैं जिसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन में। इनडायरेक्ट मटेरियल्स में क्या होता है, ये इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को एंड अदर सप्लाइज को जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल जो है लेस कॉस्ट इंटेंसिव होता है देन डायरेक्ट मटेरियल्स। सो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट मटेरियल्स, इसमें आप डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। सो यहाँ पर आपके कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, PPE हो गया एंड मेंटेनेंस सप्लाईज हो गया। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोज को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो अब हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस। सो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, इसमें सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सो जो मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, ये सारे स्टेप्स को इंक्लूड करता है। अगर आप लोग परचेज कर रहे हो मटेरियल को, टिल रिसीव कर रहे हो मटेरियल तक का जितना भी स्टेप्स होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपके मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड होती है। और मटेरियल मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? स्टोरेज को इंक्लूड करता है, वेयर हाउसिंग को इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्ट को एंड रिसीविंग को। सो इसके ऊपर आपके एमसीक्यू आते हैं, तो अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। और जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी तो उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, ताकि आपके वो सारी चीज़ें माइंड में आ जाए, आप नेक्स्ट टाइम भूल ही नहीं पाओ। सो ये जितने भी स्टेप्स हैं, इनके खुद के गोल्स हैं और प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने चार चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, परचेजिंग को, स्टोरेज को, ट्रांसपोर्ट को एंड रिसीविंग को। सो मटेरियल मैनेजमेंट में जो परचेजिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें करनी चाहिए। सो जो परचेजिंग होती है वो राइट अमाउंट ऑफ गुड्स की होनी चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है? ये दो रीज़न के लिए ज़रूरी है। सो पहला रीज़न ये है, अगर हम परचेजिंग ठीक से करेंगे तो हमारे जो एंड यूज़र होगा उसके पास जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा, पहला रीज़न। सो सेकेंड रीज़न इसने ये दिया है, अगर हम सही अमाउंट में परचेज करेंगे तो इससे जो हमारा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टोरेज में और स्टोर्ड इन्वेंट्री में, वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर हम सही से परचेज करेंगे, एक तो हमारा जो भी एंड यूज़र है उसके पास जो उसको नीड है सब कुछ मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये मिनिमाइज कर देगा जो भी स्टोरेज में और स्टोर्ड इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी ये मिनिमाइज कर देगा। सो परचेजिंग हमें जो है राइट अमाउंट में करनी चाहिए गुड्स की, ना कि एक्सेस करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल कम करनी चाहिए। सो पहला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया परचेजिंग इन मटेरियल मैनेजमेंट। सेकंड देख लेते हैं स्टोरेज। सो स्टोरेज में क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मटेरियल मैनेजमेंट? अगर हमारा कोई भी वेयर हाउस है उसके अंदर एक लिमिटेड स्पेस होता है, एक राइट प्लेस होता है जहाँ पर हम जितना भी गुड्स है उसको स्टोर कर सके, तो करेक्ट अमाउंट में हमें अपना स्टोरेज रखना चाहिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्ट करने का गुड्स को हम ईजिली कर पाएं, यानी कि हम उसको भर दें। जो भी हमारा गुड्स है अगर हम उसको वेयर हाउस में ज़्यादा स्टोर कर देंगे तो उससे स्पेस में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, और आपका जो भी सामान नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट होना है उसमें भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए ना जो है हमको ज़्यादा करना है स्टोर, ना हमें कम करना है। आपको शॉर्टेज भी नहीं आने चाहिए मटेरियल की, और आपका जो भी मटेरियल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए। ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो करेक्ट मटेरियल होना चाहिए टू द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के पास जो है करेक्ट मटेरियल पहुंचना चाहिए एक राइट टाइम पे। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही लार्ज होता है, तो जितना भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो आपको करेक्टली वे में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए किसी भी मटेरियल को टू द मैन्युफैक्चरर। और बाकी जब भी वो जिस भी डिपार्टमेंट में जाए वो अपना अपना जो मटेरियल है उसको सेपरेट कर ले। लास्ट स्टेप है इसमें रिसीविंग। जो भी मटेरियल मैनेजमेंट का रिसीविंग होता है वो इन्वॉल्व करता है चेकिंग को एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स को टू द करेक्ट कस्टमर्स। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब एक बार नेक्स्ट स्लाइड में इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। आपको वो देखने के बाद सब कुछ चीज़ें जो है ओवरऑल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है रॉ मटेरियल का जो है रिसिप्ट मिलता है फ्रॉम द स्टोर। सेकेंड है प्राइमरी प्रोसेस किया जाता है उस रॉ मटेरियल पे। थर्ड है इंस्पेक्शन होता है रॉ मटेरियल का। फोर्थ है मोल ग्राउंडिंग की जाती है एंड मोल होल्डिंग की जाती है। फिफ्थ है आपका पैरामीटर सेटिंग्स की जाती है, देन ट्रायल और रन इंस्पेक्शन होता है, फिर बैच प्रोडक्शन किया जाता है, देन असेंबली एंड फाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद वेयर हाउस में डाला जाता है उसको, देन टू द कस्टमर। पूरा जो है फ्लो चार्ट है, जो मैंने अभी आपको समरी बताई थी वही सारी चीज़ें से फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन की गई है। सो एक और आपका ये फ्लो चार्ट आ चुका है, ये थोड़ा ब्लर है, इसमें भी सेम चीज़ है। सबसे पहले आपने परचेजिंग की, रॉ मटेरियल की, देन रिसीविंग की, क्वालिटी कंट्रोल हुआ उसका, इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ, वेयर हाउसिंग में डाला गया उसको, स्टोरेज यूनिट में डाला गया, इशू किया गया उसको, डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसको, एंड यूज़र को कंजप्शन के लिए। सो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, चाहे आप प्रीवियस वाले से समझ लो, चाहे आप इस वाले फ्लो चार्ट से समझ लो, दोनों में सेम चीज़ें ही लिखी गई हैं। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर और भी स्टोर कीपर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद।
सो अब डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू मटेरियल मैनेजमेंट। सो ये जो सारे आप सेक्टर्स देख रहे हो, ये सारे जो है वर्क करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे कि सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइज, रिसोर्स प्लानिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये सारे जो है रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मटेरियल मैनेजमेंट के, और ये जितने भी सेक्टर हैं इनमें जो है मटेरियल मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे जो है मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में कवर करूंगी। सो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा क्रिस्प ही रखा है, अगर आप लोग जो है ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप इसकी बुक ले सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको जितना ये थोड़ा थोड़ा जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर कर सकूँ, ताकि आपके MCQ में मदद हो सके। बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, और ये सारे टॉपिक्स आपको थर्ड लेक्चर में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो ये वैसे आपने काफ़ी ज़्यादा ये टर्म्स देखे होंगे। तो सबसे पहला है ABC एनालिसिस कैटेगराइजेस। सो ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इसमें हम क्लासीफाई करते हैं आइटम्स को इनटू 3 कैटेगरी, A, B एंड C, एंड ये किस पे बेस्ड होती है, एनुअल यूजेज वैल्यू पे, कॉस्ट पे और अदर रिलेवेंट मेट्रिक्स पे। सो ABC में क्या डिफरेंस है, A में आता है आपका एक्सपेंसिव इन्वेंट्री एंड एक्यूरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड, B में आता है आपका मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री, मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड, C में आता है आपका लो कॉस्ट इन्वेंट्री एंड मिनिमम कंट्रोल रिक्वायर्ड। सो इस ABC एनालिसिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ताकि हम क्लासीफाई कर सके अपने आइटम्स को। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बिल ऑफ मटेरियल, जिसे हम BOM भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, BOM की फुल फॉर्म क्या होती है इन मटेरियल मैनेजमेंट, सो दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल्स, ये भी आप अच्छे से याद कर लो। सो अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो ला सकूँ। सो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट होती है रॉ मटेरियल्स की, कंपोनेंट्स की, असेंबलीज की एंड सब असेंबलीज की। सो सिंपली अगर हम बिल ऑफ मटेरियल को एक्सप्लेन करें तो ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अबाउट द पार्ट्स क्वांटिटीज जो कि हमारे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नीडेड होती है। इस बिल ऑफ मटेरियल में सब कुछ लिखा होता है। सो नेक्स्ट है आपका जस्ट इन टाइम, JIT, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सो जस्ट इन टाइम क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ये एक तरह का मेथड होता है जिसके अंदर हमारा जो गुड्स होता है उसको हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द सप्लायर्स। सिंपली पहले तो आप ये समझ लो, कोई भी गुड्स है उसको आप रिसीव कर रहे हो सप्लायर से, तभी आप इसको लो जब आपको इसकी ज़रूरत हो। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस मेथड का ये ऑब्जेक्टिव होता है ताकि ये रिड्यूस करे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को और इंक्रीज करे इन्वेंट्री टर्नओवर को। सो जब नीड हो तभी आप रिसीव करो, तो दैट इज जस्ट इन टाइम, JIT इन मटेरियल मैनेजमेंट। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो ये परफेक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि यूज करी जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री। सो इस मेथड को किसी भी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है टू कैलकुलेट देयर इन्वेंट्री। सो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ये कंपनी को बहुत ज़्यादा ही हेल्प देता है ताकि वो मिनिमाइज कर सके टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को, जिसमें ये बाकी चीज़ें आती हैं आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। सो आज जो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ऐसे ही और वीडियोज़ आने वाली हैं मेरे चैनल पर। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।